में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, विज्ञापन चल रहा था। विज्ञापन का अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था टॉपिक, पिछले वीडियो में पढ़ा था विवाह से संबंधित, ठीक है। अब इसी का तीसरा जो पार्ट है वो है एक्यूमेनिज्म। एक्यूमेनिज्म का मतलब होता है निवास स्थान संबंधित, निवास, निवास मतलब होता है घर, हाउस, फ्लैट वगैरह जो भी है, ऑफिस वगैरह जो भी है, उसको लेना या देने के लिए, किराए पर लेना या किराए पर देने के लिए, उससे संबंधित ही है। एक्यूमेनिज्म मतलब क्या होता है, निवास स्थान, निवास स्थान मतलब फ्लैट वगैरह कोई बल्ब बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, जो भी चीज है, किराए पर लेना है, किराए पर देना है, उससे संबंधित ये चीज है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो किराए पर देना होता है और एक किराए पर लेना होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा, किराए पर देने के लिए। किराए पर देने के लिए उसको बोला जाता है टू लेट। टू लेट मतलब होता है किराए पर देना, टू लेट मतलब होता है किराए पर देना, टू लेट, टू लेट मतलब क्या होता है किराए पर देना। किराए पर देने के लिए इसमें क्या क्या पॉइंट लिखे जाते हैं उसके बारे में देखो। किराए पर यदि मान लो आपको घर देना है या फ्लैट देना है या मान लो ऑफिस देना है, ठीक है, कुछ भी चीज आपको किराए पर देनी है तो क्या क्या पॉइंट आपको उसके अंदर सबमिट करने पड़ेंगे जो देखो। पहला पॉइंट या तो हाउस किराए पर देना तो हाउस, शॉप किराए पर देना शॉप एंड दुकान, या मान लो फ्लैट किराए पर दे तो फ्लैट, या फिर ऑफिस दे तो ऑफिस, इसके बारे में बताना पड़ेगा क्या चीज किराए पर आप देना जा रहे हो, ठीक है। एटीसी मतलब होता है इत्यादि और भी चीजें जो किराए पर दे सकते हैं। फिर उसके बाद में किराए पर आपने कोई चीज दी उसके बारे में लोकेलिटी बतानी है। लोकेलिटी मतलब होता है वो स्थान, जो घर है, जो दुकान है, जो ऑफिस है, वो किस स्थान पर है, किस इलाके में, उसकी लोकेलिटी क्या है, उसकी लोकेलिटी क्या है, उसका इलाका क्या है, वो चीज आपको बतानी पड़ेगी किस जगह पर वो पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ रूम्स, रूम्स यानी कमरों की संख्या देनी पड़ेगी, कितना कमरा आप देना चाह रहे हो किराए पर, एक रूम देना चाह रहे हो, दो रूम देना चाह रहे हो, ठीक है, बेडरूम क्या है, किचन क्या है, जो भी चीज है वो चीज आपको बतानी पड़ेगी, साइज बताना पड़ेगा, साइज किस साइज में, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर बताना पड़ेगा आपको फैसिलिटीज, फैसिलिटीज मतलब होता है सुविधा, सुविधा क्या क्या दे रहे हो आप, जैसे कार पार्किंग हुई, लेट बात हुई, बिजली हुआ, पानी हुआ, इस तरह की फैसिलिटी आपको बतानी पड़ेगी, क्या क्या फैसिलिटी आप उसके अंदर दे सकते हो, इसके अंदर किराए पर जो कमरा देने जा रहे हो। आपने देखो ज्यादातर जगह लिखा रहता है इंग्लिश में टू लेट, टू लेट मतलब वही होता है किराए पर देना, तो फैसिलिटी भी बतानी पड़ेगी आपको फैसिलिटी क्या क्या दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद में एक्सपेक्टेड रेंट, क्या किराया आप लेना चाहते हो, अनुमानित क्या है, आप क्या से कर रहे, कितने अनुमानित रूप से आप किसको किराया रखना चाह रहे हो, 10,000 रुपए देना चाह रहे हो, 5,000 रुपए में देना चाह रहे हो, या 20,000 रुपए में देना चाह रहे हो, जो भी प्राइस है वो आप दे सकते हो किस किराए के रूप में, ठीक है। उसके बाद में प्रेफरेंस बताना है, किसको देना, किसको देना, स्मॉल फैमिली को देना है, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति को देना है, या फिर कोई स्टूडेंट्स को देना है, जिसको भी देना वो चीज आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको लास्ट में देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि बात है जिस व्यक्ति को किराए पर कमरा चाहिए, जिस व्यक्ति को किराए पर कमरा चाहिए उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट तो दोगे, जल्दी वो संपर्क कर पाएगा आपसे, जल्दी तो वो आपसे क्या कर पाएगा, संपर्क, संपर्क कर पाएगा, आप उसके लिए क्या दोगे, एड्रेस दोगे, ठीक है, पता दोगे, या फिर क्या दोगे, फोन नंबर, अगर देना चाहता आज के टाइम में चल रहा है ईमेल, वो भी आप लिख सकते हो, ईमेल के बारे में भी मैं बता सकता हूँ। एक बार फिर देखो एक्यूमेनिज्म एडवर्टाइजमेंट का तीसरा भाग, दो भाग अपन ने पढ़ लिए, तीसरा भाग चल रहा है एक्यूमेनिज्म मतलब होता है एक तरह से निवास स्थान से संबंधित, निवास से संबंधित, किराए पर देना है, किराए पर लेना है, उससे संबंधित ये बातें हैं, ठीक है, हाउस वगैरह जो भी चीजें। सबसे पहले इसके अंदर होता है किराए पर कमरा देना होता है, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे किराए पर कमरा लेने के लिए, क्या पढ़ेंगे, किराए पर कमरा लेने के लिए। इस समय किसको पढ़ रहा है अपन, किराए पर कमरा या किराए पर कोई भी चीजें, किराए पर दुकान या किराए पर शॉप या किराए पर ऑफिस, जो भी चीज देंगे उसके लिए हेडिंग लिखनी पड़ेगी टू लेट, टू लेट हेडिंग लिखनी पड़ेगी, बड़े अक्षरों में लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या पॉइंट देना पड़ता है किराए पर कमरा दे
किराए पर कमरा देने के लिए, किराए पर कोई चीज देने के लिए, एक किराए पर घर देने के लिए, एक किराए पर शॉप देने के लिए, क्या है क्या हाउस दे दे, हाउस किराए पर दे दे, इसके बारे में बताओ। शॉप दे रहा, शॉप है, दुकान है, फ्लैट है, फ्लैट ऑफिस है, प्रॉपर्टी एटीसी में होता है इत्यादि। इसके बाद उस घर या शॉप जो भी किस इलाके में पड़ रही है, लोकलिटी मतलब होता है इलाका, ये जो भी है ठीक है। उसके बाद कितनी संख्या रूमों की, साइज कितना है ठीक है। उसके बाद आप फैसिलिटी दे दो, सुविधा बता दो, क्या सुविधा देनी, एक्सपेक्टेड रेंट यानी उचित जो भी आप मालूम क्या आशा रख लो, कितने आप किराया लेना चाह रहे हो ठीक है। प्रेफरेंस क्या है, स्मॉल फैमिली को देना, प्रोफेशनल व्यक्ति को देना है, स्टूडेंट को देना ठीक है। ठीक है, कॉन्टेक्ट में बता दो, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह जो भी है या फिर ईमेल। अब आगे एडवर्टाइजमेंट का जो एकोमोडेशन चल रहा था, निवास स्थान से संबंधित, निवास किराए पर देना है या किराए पर लेना है, ऑफिस हो, फ्लैट हो, हाउस हो, शॉप हो, इत्यादि और कुछ भी हो जिसको किराए पर देना है तो क्या लिखा जाए किराए पर देने के लिए। किराए पर देने के लिए क्वेश्चन देखो आप, एडवर्टाइजमेंट से संबंधित किराए पर देने के लिए क्वेश्चन क्या है, यू हैव, तुम्हारे पास है एक एक्स्ट्रा एक अतिरिक्त क्या घर, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा घर है, एक्स्ट्रा हाउस है, यू वांट, तुम चाहते हो, एक्स्ट्रा है तो दो किराए पर, अगर अपने पास अवेलेबल है, अपने पास उपलब्ध है दो या तीन चीज उपलब्ध है, अपन कोई ना कोई चीज को अपन दे देते हैं किसी को, किराए पर दे दो, पैसे दे दो, जो भी है। तो यहाँ पर तो किराए पर देने की बात आ रही है, तो यू वांट, तुम चाहते हो, टू गिव इट, उसको देना ऑन रेंट यानी किराए पर, समझ जाना चाहिए क्वेश्चन से ही समझ जाना चाहिए, गिव इट ऑन रेंट किराए पर देना, तो यहाँ पर किराए पर देने की बात आ रही है। अगली बात समझ में, किराए पर लेना है उसके लिए अलग पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल क्वेश्चन किससे संबंधित है, किराए पर देने के लिए, और किराए पर देने के लिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञापन पढ़ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट किस पर पढ़ रहे हैं, किराए पर देने के लिए, याद रखना है किराए पर देने के लिए क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में समझ जाना चाहिए, एक्स्ट्रा हाउस है और इसको देना चाहते हो, किसको दोगे, किराए पर दोगे, यही समझ में आकर तो किराए पर देने के लिए क्वेश्चन होगी। क्वेश्चन दो ही आते हैं, या तो किराए पर देना होता है या किराए पर लेना होता है, क्वेश्चन तीसरा नहीं बनेगा इसके अंदर, तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, दो ही क्वेश्चन इसके अंदर बनकर आता है, किराए पर कमरा या तो देना है, मकान देना है, या शॉप देनी है, ऑफिस देना, जो भी है किराए पर देने के लिए बना देना है या किराए पर लेने के लिए, दो क्वेश्चन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, मतलब अवेलेबल मतलब आते हैं ठीक है। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, किराए पर देने के लिए ठीक है, किराए पर देना चाहते हो, एक विज्ञापन छपवाना लोकल न्यूज पेपर के अंदर, इसके अंदर छपवाना, लोकल न्यूज पेपर के अंदर एक विज्ञापन आपको छपवाना है ठीक है। किराए पर आपको कमरा बा हाउस देना, यहाँ पर किसकी बात आ रही है, हाउस की। अब क्या क्या फैसिलिटी आप उसके अंदर देना चाहते हो, क्या क्या फैसिलिटी आप उसके अंदर देना चाहते हो, कितना किराया आप लेना चाहते हो, कितने रूम उसके अंदर आप देना चाहते हो, कितने रूम उसके अंदर है, वो विवरण आपको देना है विज्ञापन छपवाने के लिए। तो विज्ञापन आप छपवाओगे, विज्ञापन आप दोगे तो उसके अंदर कुछ फैसिलिटी वगैरह जो भी देनी पड़ेगी, कितने रूम आप दे रहे हो, कितने रूम नहीं है उसके अंदर, कितने हैं, किसी है के नहीं है, जो भी चीज बताना पड़ेगा, तो वो चीज आपको इस विज्ञापन के अंदर लिखनी है। आगे बात समझ में, जो भी चीज आपको देनी है वो आप उस विज्ञापन के अंदर लिख दो, उसको किसके अंदर छपवाना है, लोकल न्यूज पेपर के अंदर देना है, बस ये करना हो, कुछ नहीं करना, ये हो गया आपका विज्ञापन। देखो किराए पर यदि देना है, किराए पर देने के लिए हमेशा हेडिंग लिखी जाती है टू लेट, किराए पर देने के लिए हमेशा हेडिंग लिखी जाती है टू लेट, जो किस में होती है, बड़े अक्षरों में होती है, मैंने पहले ही विवरण बता चुका हूं, टू लेट वाला ही चल रहा है, टू लेट के अपन ने पॉइंट लिखे, टू लेट के अपन ने क्या लिखे, पॉइंट, किराए पर कमरा या किराए पर घर या किराए पर शॉप या किराए पर ऑफिस, ये चीज देने के लिए हेडिंग क्या लिखी जाएगी, टू लेट लिखी जाएगी, जो भी किसके अंदर होगी, बड़े अक्षरों के अंदर होगी, किसमें रखना है इसको, छोटे छोटे खाने में रखना है, याद रखना पहले से एडवर्टाइजमेंट पढ़ते आ रहे हैं सबको, अपन ने सबकी जो हेडिंग है वो इसमें ही लिखी है, अलग से हेडिंग नहीं लिखी है, सबकी हेडिंग अपन इस खाने के अंदर ही दर्शाई है, ये याद रखना, अभी तक अपन ने जो एडवर्टाइजमेंट पढ़े उसके अंदर ठीक है। तो किराए पर कमरा देना है तो किराए पर कमरा देना है या ऑफिस देना है, यहाँ पर अपन क्या दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, तो घर देने के लिए किसके प्रूव करना पड़ेगा, टू लेट का, ये हेडिंग है, बड़े अक्षरों में लिखनी है, याद रखना बड़े अक्षरों में लिखनी है। अब आपके पास हाउस है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, इसलिए आप उसको किराए पर देना चाहते हो ठीक है, तो मतलब आपके पास उपलब्ध है, आपके पास क्या है, उपलब्ध है, इसलिए तो आप उसको किराए पर देना चाहते हो ठीक है। तो किराए पर देना चाहते हो, आपके पास घर उपलब्ध है, इसलिए अपन ने इस सूचना आपको किससे स्टार्ट करनी है, अवेलेबल से किससे स्टार्ट करनी है, अवेलेबल से स्टार्ट करनी है, किससे प्रारंभ करनी है,
अवेलेबल से, अवेलेबल क्या अवेलेबल है आपके पास, एक गुड, एक अच्छा न्यूली यानी नया, एक अच्छा न्यूली यानी नया, क्या क्या उपलब्ध है आपके पास, हाउस। तो यहां पर आपने दे दिया ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड, मतलब नया निर्माण हुआ क्या है आपके पास, घर है, हाउस है। इसके लिए वो फॉर रेंट, बस रेंट है किराए के लिए। किससे स्टार्ट करा अपन ने इसको, अवेलेबल से, अवेलेबल इसको स्टार्ट करा, अपने पास है इसलिए अपन ने इसको किससे स्टार्ट करा, अवेलेबल उपलब्ध है, उपलब्ध क्या नया घर उपलब्ध है, इसके लिए उपलब्ध है किराए के लिए। कहां पर है वो, इन पोज, इसका मतलब होता है शानदार इलाका है, पोज एरिया का मतलब होता है शानदार इलाका है। कहां पर है शानदार इलाका, राजा पार्क, कहां पर है राजा पार्क, एक शानदार इलाका है किसके अंदर, जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर राजा पार्क नाम की जगह, वहां ये शानदार इलाके के पास क्या है, घर बना हुआ है, क्या बना हुआ है घर, जिसको किसको देना चाह रहे हो आप, किराए पर देना चाह रहे हो। फोर एरिया का मतलब यहाँ पर क्या है, शानदार इलाका, फोर एरिया का मतलब क्या है यहाँ पर, शानदार इलाका, हर चीज के अंदर आप देख सकते हो, ये जरूरी है यहाँ लिखा तो यही लिखा रहना, कोई सा विज्ञापन आए उसके अंदर आप दे सकते हो किराए से संबंधित, किराए पर देना तो एरिया आप दर्शा सकते हो, कोज एरिया शानदार इलाका है। कहां पर है शानदार इलाका, राजा पार्क जयपुर के अंदर है, जहां पर ये मकान बना हुआ है उस जगह ये स्थित है। आगे बात समझ में, अब इसके अंदर क्या क्या चीज वो दे रहा है, जो देखो क्या क्या चीज दे रहा है उस घर के अंदर, घर के अंदर क्या क्या चीज अवेलेबल है देख लो। वन तो होल है, एक तो होल है होल पता, एक होल है। टू बिग बेडरूम्स, दो क्या है, बिग बिग यानी बड़े, बड़े क्या है बेडरूम्स है, बेडरूम है दो। तो फर्नीचर फिटेड, फर्नीचर से सजा हुआ है, फिट मतलब सजा हुआ है, लगा हुआ फर्नीचर पूरा, पूरा फर्नीचर लगा हुआ, ये भी आपने सुविधा दे दी। घर है नया घर है राजा पार्क के इलाके में जयपुर में है, क्या क्या चीज उस घर के अंदर, एक तो होल बना हुआ है, ये आपने दे दिया अपनी तरफ से दे दो, अगर माने पेपर में लेते कुछ नहीं तरह का पेपर में आप अपनी तरफ से दे सकते हो, इनको कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कि इसको लिखना बहुत कठिन चीज है, कोई कठिन चीज है, टेंस को उपयोग नहीं करना, ये मार लगा दिया बाज मार लगा दिया कुछ नहीं, डायरेक्ट शब्द रखो, टेंस का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत कम उपयोग होता है ग्रामर का, टेंस को नहीं डायरेक्ट क्या लगाया जाता है, शब्द क्यों रखना, क्यों रखते हैं शब्द, टेंस को उपयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि टेंस को उपयोग करके सेंटेंस बड़े हो जाएंगे, जब ये बड़े में पहुंच जाएगा इसलिए इसको क्या शॉर्ट में लिखना पड़ता है, 50 शब्दों में इसको देना पड़ता है, क्योंकि 50 शब्द लिखोगे इसका मतलब ये होता है, इसका कैलकुलेटर लगता है, शुल्क लगता है अगर इसको अपन लिखते हैं तो, इसलिए इसको कम से कम शब्दों में लिखा जाता है, और कम से कम शब्द कितने 50, इसलिए डायरेक्ट शब्दों का इस्तेमाल करो, टेंस का इस्तेमाल मत करो। तो वन होल, एक तो होल है, दो बिग बेडरूम से, फर्नीचर भी फिटेड है, फर्नीचर भी लगा हुआ, सेपरेट मॉडर्न किचन, आधुनिक टाइप की क्या है किचन भी है, अलग से किचन और दे रखी है, इतनी चीज, इतनी व्यवस्था उस किसके अंदर, इस घर के अंदर जो आप किराए पर देना चाह रहे हो, मॉडर्न किचन है, सेपरेट है जो भी अलग से। टू लेट्स एंड बाथ है, दो लेट्स एंड बाथ भी है, दो क्या है लेट्स एंड बाथ भी है, और सबसे बड़ी खास बात क्या है, जो अवेलेबल है 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, 24 घंटे तक आपको पानी बिजली मिलेगा, 24 घंटे किसकी सुविधा है, पानी बिजली की, आप अपनी तरफ से दे सकते हो, इसमें कोई नहीं है इसमें कुछ मैंने हेरकर लगाया आपको, नहीं कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप अपनी तरफ से इन शब्दों को रख सकते हो। 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है एंड वाटर सप्लाई भी है, पानी की सुविधा अवेलेबल है 24 घंटे, और 24 घंटे क्या बिजली मिलेगी आपको, ये सबसे अच्छी सुविधा इसके अंदर है। ठीक है, रेंट कितना मांग रहा है वो, किराए पर कितने में देना चाह रहा हूं, 10,000 रुपए पर मंथ, पर मंथ कितने में देना चाह रहा हूं आप इसको, किराए के रूप में 10,000 रुपए में आप इसको देना चाह रहे हो, कितने में 10,000 रुपए में पर मंथ आप 10,000 रुपए में इसको देना चाह रहे हो। स्पेशल बात क्या है देखो, किसके लिए देना चाह रहे हो आप इसको, ऐसा नहीं है कोई को दे दिया, लास्ट में पॉइंट दे रखा था मैंने, पॉइंट में बताया था इसके अंदर, या तो फैमिली हो फैमिली है, प्रोफेसर हो प्रोफेसर है, फिर कोई स्टूडेंट है स्टूडेंट, किसको देना चाह रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।